अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस सब ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे घर पे आ रहे हैं, यू वेलकम। और अभी बाहर मैं जो हूँ इन सब से यही बात कर रही थी कि बहुत तारीफें सुनी है आपके घर की और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका घर देखने के लिए, क्योंकि मुझे भी घर सजाने का बहुत शौक है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। इसमें प्रेजर अच्छा है। आप ये देखे ना, ये सारा घर जो है ना मेड इन पाकिस्तान है। तो ये तो बड़ी फोटो फ्रेम्स घर के एंट्रेंस पे मैंने बहुत कम देखी है लोगों की। ये तस्वीरें बिल्कुल, ये निकाल सकते हैं मैं तस्वीर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है। ये कब की तस्वीर है? ये देख लें, ये बेनजीर के साथ जब ये पेरिस मेरे पास होती थी, ये मुझे पाकिस्तान लेके आई थी। अच्छा, यस। हाँ, ये मैं इसीलिए मैंने ये निकाली है तस्वीर। हाँ, के बेनजीर भुट्टो साहिबा का क्या रोल रहा आपकी जिंदगी में? ये बहुत अच्छा रोल रहा, क्योंकि बेनजीर जब पेरिस रहती थी मेरे पास आती होती थी, ये बिलावर इसके बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे, मुझे अंकल अंकल कर यहाँ पे बैठते थे मेरे साथ। तो बेनजीर मुझे कहती थी, देखो तुझे पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान तुझे नहीं जानता। हाँ। तू पाकिस्तान चल। मैंने कहा नहीं, मुझे कहती नहीं तो पाकिस्तान जाके। पहला फैशन शो मैंने किया था कराची में। कराची में जब मैं लड़कियों को लेके आया था, उस टाइम पाकिस्तान में मुझे कहते थे दर्जी। दर्जी, ठीक है ना। किसी को मेकअप का नहीं पता था, लाइट्स का नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था लड़कियों को हमने एलिगेंट कैसे बनाना है, खूबसूरत कैसे बनाना है। ओके okay. अच्छा, वो उनको उनको कौन सा फैशन पसंद था, किस तरह के कपड़े? वो मेरे साथ जब रेस्टोरेंट पे जाती थी, क्योंकि मैं वहाँ पे मशहूर था, सब लड़कियाँ आगे पीछे मेरे होती थी। स्टार लाइफ, तो वो देखती थी, वो सारी लड़कियाँ कैसे आगे पीछे जा रही हैं और सारा कुछ, और फैशन देख रही हैं सारा। तो इसलिए फिर मैं पाकिस्तान भी, वो मुझे लेके आई थी यहाँ पे, हमने फैशन पाकिस्तान में आके फैशन का करें। फिर फैशन स्कूल मैंने लाहौर में मैंने बनवाया है, फैशन वीक मैंने शुरू करवाए। फिर अच्छा है, गवर्नमेंट ने मुझे स्टार इम्तियाज इसमें पाकिस्तान में भी दिया मुझे। क्या बात है, क्या बात है। ऑफ कोर्स, और यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, वाओ। अच्छा, तो आपने जब क्योंकि आप बहुत टाइम पहले फ्रांस से जब आए और यहाँ पर फैशन को इंट्रोड्यूस कराया, बेशुमार आपने फैशन शोज किए, मैगजीन्स आपने इंट्रोड्यूस की, तो व्हाट वाज द मोटिवेशन, ये फैशन आपके अंदर कहाँ से आ गया था? फैशन आ गया क्योंकि मैं यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल में दाखिल था, तो छोटा होता था, पैसे नहीं होते थे, मैं दाता साहब जाता था खाना खाने के लिए। हाँ। तो एक दफ़ा मैं बीमार था, तो मुझे कोई देखने ही नहीं आया था वहाँ। तो ईद का दिन था और मैं ऐसे करके 10 साल का था, मैं ऐसे करके बैठा हुआ था। हाँ। तो सब ने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। हाँ। और सारे वहाँ पे आ रहे थे मिलने के लिए। तो मैंने कहा, एक दिन मेरे पास पैसे हुए ना, तो मैंने भी अच्छे कपड़े पहने। हाँ। तो ऐसे बस अल्लाह ने मेरा बाजू पकड़ के मुझे पेरिस चले गया। पेरिस कैसे गए? पेरिस मैं गया था 70, मेरी 17 साल उम्र थी, पैसे भी नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान में हालात मेरे अच्छे नहीं थे यहाँ पे ना। पाकिस्तान में क्या सीन था, कहाँ से बिलोंग करते थे? मैं लाहौर से करता था, लेकिन हालात, फैमिली हालात कोई अच्छे नहीं थे। क्या अम्मी अबू साथ रहते थे? उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन मैं किसी के पास रहना, ये करना, ये सब कुछ को हालात अच्छे नहीं थे। जब मैं पेरिस गया तो वहाँ पे भी हालात उससे ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि फ्रेंच नहीं आती थी, घर नहीं था, पैसे नहीं था। पैसे वैसे थोड़े बहुत थे भी, वो भी कोई, वो कराची एयरपोर्ट पे मैं गया था, तो वो पुलिस वाले ने $200 मेरी जेब से निकाल लिए। चलो, जो ऐसा गया था वो भी गया ना, यानी वो भी गए। हाँ, यानी अल्लाह ताला जब आजमाता है तो पूरी तरह आजमाता है, पूरी तरह। हाँ, अच्छा। अच्छा, ये मिरर्स का जो आइडिया है ना घर में, वो मुझे बड़ा पसंद है, ये मुझे बड़ा एक्साइट करता है। मिरर्स से घर जो है वो बड़ा बड़ा भी लगता है। मुझे आपका बाकी घर भी देखना, कहीं बैठ के बातें करते हैं। चले, हाँ, इधर से चलते हैं। ये ड्राइंग रूम है, लवली। हाँ, अरे वाह, ब्यूटीफुल। प्लीज, अच्छा, इससे पहले कि हम आपकी उन स्ट्रगल्स के बारे में बात करें जो कि मुझे और आपको पता हैं, और मुझे भी उस हद तक नहीं पता, तो आज मैं आपसे डिटेल्स पूछूंगी। व्हाई? बिकॉज पीपल हु आर वॉचिंग, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं या जो अपने आइडल की तरह बनना चाहते हैं, उनको सिर्फ यही मैसेज ना जाता रहे कि हर चीज़ बहुत आसान है, हर इंसान जो है वो बड़ी मुश्किलों से गुजर के निकलता है। तो सबसे पहले तो भाई, फ्रांस में रहते रहते टॉप 10 डिज़ाइनर्स में आप सीधा पहुंच गए, या उससे पहले कहीं और ही फैशन शुरू हो गया था? नहीं नहीं, ये लाइफ इतनी इजी नहीं है। आदमी ऐसे नहीं जाके 10 में आ जाता है या नंबर 1 पे आ जाता है। सब चीज़ें, ये लाइफ है ना, आदमी को बड़ी 00 से शुरू करनी पड़ती है। क्योंकि मैं तो यहाँ से कोई फैशन पढ़ के नहीं गया था, ना वहाँ पे जाके पढ़ा था। मुझे शौक था MBA करने का, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास, यूनिवर्सिटी जाने के लिए चीज़ें नहीं थी।
तो मैंने अपनी लाइफ शुरू की हुई अंडरग्राउंड मेट्रो से. मेट्रो क्योंकि वहाँ पे जब मैं गया था तो -10 टेम्परेचर था, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे. मैंने लंडे बाज़ार से एक कोट लेके गया था इतना लंबा सा. तो वो यहाँ पे पाकिस्तान में होता है 50 टेम्परेचर, वहाँ पे होता है -10 टेम्परेचर. -10 कभी मैंने सोचा भी नहीं था. वो 17 साल की उम्र हो तो आदमी ऐसे ऐसे घर ना हो, ज़ुबान ना आती हो. वहाँ पे कोई उस ज़माने में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, ठीक है. तो आपके पास कोई पैसे भी नहीं थे. आदमी ढूंढता है, रोता है, मैं किधर आ गया हूँ. डर आता है मेट्रो में ऐसे लेटा हुआ है. क्या उम्र थी आपकी? क्योंकि 17 साल का था मैं उस समय. आपके वालदैन की का इंतकाल हो चुका था? वो डेथ हो चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल था. जिनके पास मैं रहता था इट्स वेरी डिफिकल्ट. नहीं तो आपके अम्मा बाबा की का इंतकाल जब हुआ तो आपकी क्या उम्र थी? मैं छोटा सा था, 10 ईयर आई थिंक. हाँ तो बिल्कुल छोटा सा था. तो उस जमाने में ना कुछ भी आदमी की लाइफ अजीब हो जाती है. यहाँ पे जो मैं देखता हूँ ना, जो लाइफ बच्चों की, गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की कैसे लाइफ यहाँ पे गुजरती है. तो वहाँ पे वो सारा फिर मैंने गार्बेज ढूँढना खाने के लिए, कोई फेंक जाता था वो नहीं मिलना. मैं कोई 2 मंथ ऐसे रहा. फिर एक बाई चांस मुझे एक पाकिस्तानी मिल गया. वो उसने बताया एक. तो क्या घर से भाग गए थे? नहीं नहीं, मैं छोड़ के चले गया था. यहाँ से मैंने काम करके थोड़े से पैसे जोड़े थे. हाँ. लोगों से पैसे लिए, टिकट ली, वहाँ पे 1 वे टिकट पे चले गया था. तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पे जो मैंने हालात देखे, मैं क्या इस बेटर में पाकिस्तान चले जाऊँ. वहाँ पाकिस्तान में नहीं आ सकता था क्योंकि मैंने लोगों को पैसे भी देने थे. मेरे पास पैसे नहीं थे. ना आदमी इधर का होता है तो ना इधर का होता है. सही बात है. तो ऐसे फिर सारी मैंने वहाँ पे जाके लाइफ शुरू की. 2 माह के बाद फिर मुझे सफाई का काम मिल गया, चीज़ें उठाने का मिल गया. फिर मुझे कोई ले गया एक अपने, कहता है तू मेरे साथ रहा है. वो गवर्नमेंट ने एक फ्लैट, छोटे छोटे कमरे बनाए होते हैं फ्लैट उसे कहते हैं, लेकिन वहाँ पे आप जा नहीं सकते. हाँ. सिर्फ एक आदमी के लिए होता है. अच्छा. तो मैं जाता था रात को 10 बजे, जब वो गार्डियन चले जाता था. सुबह 5 बजे मैं निकलता था जब गार्डियन आने से पहले. लेकिन ज़मीन पे मैं सोता था. सर्दी पे ज़मीन पे वो सिर्फ छत होती थी, बड़ा मज़ा आता था. लेकिन बाहर निकल के फिर बीमार हो जाना, सर्दी और सारा कुछ. लेकिन आदमी इंसान ऐसे चीज़ें नहीं बन जाती, ये बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं. अभी तक मैं मेहनतें करता हूँ. तो फैशन की तरफ कैसे आए? मैं उस ऑफिस में गया था, वहाँ पे सफाई का काम करता था, वहाँ पे फैशन का काम बनता था. और मैं ऐसे ऐसे देखता था लड़कियाँ कपड़े कैसे पहनती हैं, कैसे करते हैं. तो मुझे वैसे भी दिल में था, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे. कहीं पैंट यहाँ से फटी हुई है, यहाँ से फटी हुई है. तो मुझे शौक़ था अच्छे कपड़े पहनने का, ये करने का. जब मैंने बड़ी मेहनत करनी, वो मेरा मालिक जो था उसने मुझे फिर पैकेट उठा के अपने साथ लेके जाना मार्केट में, माल देने के लिए, कपड़े देने के लिए. फिर उसने मुझे सेलमैन बना दिया. मैंने जल्दी से ज़ुबान सीखी. लेकिन ये ज़ुबान सीखता है, गुड प्रोफेसर पता है कौन होते हैं? लड़कियाँ. गुड प्रोफेसर लड़कियाँ होती हैं. आदमी उनसे बहुत कुछ सीखता है. बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं. क्या क्या सिखा जाती हैं लड़कियाँ? बड़ी चीज़ें सिखा जाती हैं. क्या क्या सिखाया लड़कियों ने? लड़कियों ने मुझे बड़ी चीज़ें सिखाई हैं. मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी लड़कियाँ भी रही हैं जिन्होंने मुझे लाइफ में बड़ी हेल्प भी दी है. बहरहाल फिर 2 साल के बाद मैंने अपना ऑफिस शुरू किया. बड़ी मेहनत करनी वहाँ पे 24 आवर खुद सारा करना सीखा. कैसे कटिंग करनी है, कैसे इसकी मैचिंग करनी है, कैसे डिज़ाइन बनाने हैं. उसके बाद कोई 4 साल बाद मैं भट्टी बन गया. 4 साल बाद पूरी दुनिया में मेरा यूरोप में नाम बनना शुरू हो गया. वहाँ पे क्योंकि कॉपी राइट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो क्या आइडिया क्या था आपका? बस मैंने एक जैकेट बनाई और एक मैंने पेंट बनाई, बड़े डिज़ाइन है ना. तो वो उससे मेरा नाम मशहूर हो गया क्योंकि वहाँ पे कॉपी राइट्स बहुत ज़्यादा हैं. किसी एक दूसरे को हम कॉपी नहीं कर सकते. तो वहाँ पे ये चक्कर है ना, पाकिस्तान में कॉपी राइट्स नहीं है. तो मैं तो हर शो में कहता हूँ यहाँ पे कॉपी राइट्स होना चाहिए. हर आप तो किसी से पूछे मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, ठीक है ना. तो फिर ऐसे फिर वो मैंने शुरू किया. 87 में माशाल्लाह मेरे पास कोई 600 आदमी काम करना शुरू हो गया. उस ज़माने में मैं बेनज़ीर को भी मिला था. तो क्योंकि मेरा नाम मीडिया में बड़ा आना शुरू हो गया. उन्हें क्या देखें, इस पाकिस्तानी को फ्रेंच लफ्ज़ नहीं आता और 200 मिलियन इसकी सेल हो गई है. और लोग बड़ी इज्जत मेरी करते थे वहाँ पे. और एकदम मैं पब्लिक आदमी हो गया मीडिया पे. सब मीडिया मुझ पर होती थी हमेशा. क्या बात है. तो वो फिर आस्ता 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 फिर माशाल्लाह 80 कंट्री में मेरे ऑफिस बन गए.
लेकिन मैंने 24 आवर में मेहनत करता था। मगर आपको कंपैरेटिवली रिलेटिवली एक यंग एज में काफी सक्सेस मिली, आपने पैसा भी खूब कमाया। तो जब एक यंग बच्चा होता है जिसके माँ बाप भी उसके साथ नहीं होते हैं हर मोड़ पर उसको सही गलत बताने के लिए, तो वो गलतियाँ भी करता है, तो गलतियाँ क्या रही आपकी जिंदगी में? मैंने नंबर वन तो अच्छी चीजें बताता हूँ। जब मैंने थोड़े से पैसे बनाने शुरू हुए ना, सबसे पहले मैंने एक घर लिया। नंबर टू मैंने किया, जब मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे होते थे, मैंने बच्चों को स्पॉन्सर करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास नहीं होते थे। वो यतीम बच्चों को मैंने स्पॉन्सर करना शुरू किया यहाँ पे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, फाउंटेन हाउस में, ऐसे चिल्ड्रन में, एनसी कॉलेज में, सबको जिनके पास कुछ भी नहीं थे, मैं उनको जानता भी नहीं, ठीक है, उनको मैंने शुरू किया। ये जो आप बता रहे हैं कि ये मैंने अच्छे काम किए, तो वो गलतियां उस लड़के ने जो कि व्हाट एज वाज ही 25 तक यू वर वेरी सक्सेसफुल एंड यू हैड ऑल द मनी, उस लड़के ने उस वक्त गलतियां क्या क्या की, इमोशनल गलतियां की, उस वक्त उसकी नीड क्या थी, क्योंकि अब पैसे तो आ गए थे, फेम तो आ गया था, काम भी आ गया था, मगर अब क्या रहता था? मैंने गलतियां ये की, जब शुरू शुरू में मेरे पास पैसे आने शुरू हुए ना, तो मैंने रात को क्लबों में जाना शुरू कर दिया। बाद में अब मेरी जैसी एज में आदमी फिर पछताता है जब अकेला हो जाता है। अकेला, यस। अच्छा चले, ये तो हो गई वहाँ की कहानी, लेकिन यहाँ पर आने का फैसला वापस कैसे किया, कब किया, और फिर यहाँ पर फैशन को किस तरह लाए, कितना आसान था, कितना मुश्किल था कंजर्वेटिव माहौल में रहते हुए फैशन को इन करना? मैंने उस जमाने में मेरी वाइफ होती थी अमेरिकन, उसको भेजा, क्योंकि वो जाके देख के आए, उसने मुझे फोन किया, उसने कहा तू पाकिस्तान में क्या कर रहा है, यू क्रेजी। मैं कहा क्यों, क्या हुआ है? कहती वहाँ पे ना मेकअप है, ना लाइटें हैं, ना म्यूजिक है, ना उनको पता है कैसे वो बनाने फैशन करने के लिए। और मैंने कहा नहीं, कहती उनको कुछ भी नहीं पता। मैं कहा बात सुन, अगर तू उन्हें बताएगी, उन्हें तस्वीरें दिखाएंगी, तो उनको पता चलेगा, फिर वो चीज़ें बनेगी। कहती नहीं, सारी टीम पेरिस से लेके आ और वो आके सारा करें, इनको समझाएं, इनको कुछ नहीं पता। मैं जब कराची आया तो फ्रिया थी वहां पर, फ्रिया अल्ताफ, उसके साथ फिर उसको मैं मिला। उसने अपनी दो मॉडल दी मुझे। अच्छा। उस जमाने में दो मॉडल, लेकिन मैं 50 लड़कियों की टीम अपने साथ लेके आया हुआ था। उस जमाने में दो मॉडल थी, एक बीबी और एक इरज। पाकिस्तान में इनको पता भी नहीं था फैशन कैसे करना है, तो मैं इनको फिर फैशन शो में फरिया को साथ लेके हम दोनों ने फिर वहाँ पे किया पीसी में फैशन शो। मोहब्बत हुई आपको? बिल्कुल। जिसमें वो हवाएं उड़ती हैं और वायलिन चलते हैं, वैसी वाली? शुरू शुरू में बिल्कुल मेरी वाइफ के साथ थी, वो मेरी डिवोर्स हो, 3 बच्चे हैं उसके साथ मेरा। अच्छा। खूबसूरत। हाँ। तो आप मुझे बता रहे थे उनकी कुछ इस रूम में तस्वीरें भी हैं। हाँ बिल्कुल, ये मेरी बेटी जो एरिका है, ये दुनिया की बड़ी मशहूर मॉडल है शनेल की। वाओ। हाँ। ये जो शराज है, ये इसने MBA किया है, तो ये बड़ा मशहूर मॉडल है लुई बीटों का, और म्यूजिक भी करता है। क्या बात है। तो ही सिंग्स और प्लेज? हाँ, ये प्लेज करता है। ड्रम्स। ये मेरी दूसरी बेटी है, लेकिन 24 ये या इसने शूटिंग की थी मेरे लिए ना, वरना ये नहीं करती। हाँ ये नहीं करती। ये डॉक्टरी कर रही है सेकंड ईयर। सो अब वही जो आप बता रहे थे ना कि एक सबसे प्यारी है, वही नहीं करती। ये सबसे प्यारी ये नहीं करती। चले जिसका जो दिल करे वो कर सकता है। अच्छा तो एक ही बार हुई जो बच्चों की माँ से हुई, या फिर हुई दोबारा? नहीं दोबारा भी हुई। अरे वाह, उसके बारे में आपने नहीं बताया। उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे दिल की बातें करनी है, वो हम कहीं ऊपर जाके करेंगे जो आपने कहा था। सही है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code, then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.